This is the entrance of the second apartment C1E. We are going to make another video for the second apartment, and we will let you know soon about the second apartment. ये हम आए हैं अभी जो buildings हैं उनमें से जो small one है. Corridor काफ़ी बड़ी है और आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सामने. ये apartment number 5 है और जैसे ही हम enter होते हैं ये empty है इस वक्त. हमारे बिल्कुल राइट पे एक बहुत बड़ा हॉल है और आप ये देख सकते हैं. आफ्टर दैट आई विल बी हियर. आप ये देख सकते हैं कि जी ये जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत वाइड, रोशन, हवादार और बालकनी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है. और बिल्कुल सामने आपके जो व्यू है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है. तो इस एरिया के अंदर, एक्चुअली इस सोसाइटी के अंदर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कुछ छोटी बिल्डिंग्स हैं. अगर आप ये बिल्कुल सामने देखें तो मेरे बिल्कुल कैमरा के सामने राइट साइड पे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके साथ एक छोटी बिल्डिंग है. तो जो पहले हमने अपार्टमेंट देखा था बड़ी बिल्डिंग में था और अभी ये छोटी बिल्डिंग में है. और ये जो है वो बालकनी भी मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा ज़रा करना पड़ेगा. और एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिविंग है और उसके बिल्कुल साथ जो है किचन है और किचन भी बहुत खूबसूरत है. इट्स रियली ब्यूटीफुल. यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक जो है वो चूल्हा मौजूद है, डिश वाशर मौजूद है, एग्जॉस्ट मौजूद है. और इसके साथ साथ आप जो है वो बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि कबर्ड्स जो है वो भी वाइट बहुत खूबसूरत मौजूद हैं. इसके साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर भी जो है आप इसको जो है वो ओपन करके विंडो जो है इसका जो डोर है एक्चुअली बहुत बड़ा डोर है, तो आप बाहर से ताज़ा हवा जो है ले सकते हैं. और इसके बाद जो है वो हम जाते हैं किचन. किचन के बाद हमारे राइट साइड पे जो है ये एक बेडरूम है. ये मीडियम साइज़ है, ना स्मॉल है ना बिग है. और आप देख सकते हैं कि इसकी विंडो जो है वो बाहर की तरफ वो भी ओपन है. उसके बाद हम आते हैं मास्टर बेड की तरफ. और मास्टर बेड जो है ये भी आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी बड़ा है और इसके साथ अटैच जो है वॉशरूम भी मौजूद है. और इसमें आप देखें इसका बेडरूम का व्यू बहुत खूबसूरत है. पहले आप ये देखिए जी कि ये डोर है, ओपन होता है फ्रंट की तरफ. सामने जो है वो गार्डन का व्यू है, पूल का व्यू है. और ये आप देखिए जी, पूल भी और ये गार्डन भी. और इसके साथ साथ जो इस की सबसे अच्छी चीज़ है जो कि आप देखना पसंद करेंगे वो है अटैच वॉशरूम. टॉयलेट यहाँ पे होना अटैच वो भी बहुत बड़ी नेमत कंसीडर किया जाता है. तो ये देखिए जी, ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत टॉयलेट मौजूद है. तो इस तरह जो है एक तो टॉयलेट इसके साथ हो गया और एक जो है वो ओपन भी है. ओपन वाला भी बहुत खूबसूरत है. लाइट्स कुछ ऑफ हैं और कुछ जो है वो अभी ऑन नहीं है. इसमें भी वैसा ही वॉशिंग एरिया जो है वो सेपरेट बना हुआ है. इसके साथ एंट्रेंस में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट पे जो है ये कबर्ड्स बनी हुई हैं. यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बहुत खूबसूरत हैं. इनके फ्रंट पे ग्लास है और आप काफ़ी बड़ी है, ठीक है जी. और ये ग्लास जो है आप सामने देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है. सो पूरे का पूरा घर बहुत खूबसूरत है. और ये भी प्राइसेस के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे बोला था कि हम प्राइसेस आपको वीडियोस में इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि ये एक प्राइवेसी होती है. और आपको हम ये व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, ईमेल, किसी भी सोर्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन से आप हमें अप्रोच कीजिए और हमसे इन सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी आप प्राइसेस और कोटेशंस ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जज़ाकअल्लाह. अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ अबाउट बारबेक्यू. Here we go, there is this barbecue place. You can make barbecue over there within some hours. And we've got open car park and also closed car park for everyone. That's this is like open, and under all the buildings there are closed car parks. In the basement you are having your own car. Exactly. That's wonderful. It is just for your name.
but no one, no one else can park. But here everyone can park, which means your visitors, if a friend of yours comes to your house, he can just park his car here. Oh, that's wonderful. She is talking about car parking. ये जो अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं ये बेसिकली ओपन कार पार्किंग है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो आपके गेस्ट आते हैं और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। अब यहाँ पे इस बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर सेपरेट कार पार्किंग है, जैसा कि ये सामने आप देख सकते हैं ये C2 ब्लॉक की है और हर एक की अपनी इंडिविजुअल कार पार्किंग है। यहाँ पे आपको पार्किंग का किसी किस्म का इशू नहीं है। ये आप सामने मेरे देख सकते हैं कि ये जो है वो बेसिकली कार पार्किंग है, बहुत ही बड़ी है। हाँ ओके, ये जो डोर है सामने ये ऑटोमेटेड डोर है और ये तभी ओपन होगा जब आपके पास वो गाड़ी के ऊपर जो है वो स्टिकर होगा यानी कार्ड होगा, तो फिर आपको एंट्रेंस जो है वो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो कार पार्किंग का भी इशू नहीं है। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया इस बिल्डिंग के अंदर ओपन जो है वो स्विमिंग पूल है, उसके बाद इंडोर है, स्पा है, जिम है, फिर जो है वो स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनर्स मौजूद हैं और उसके बाद यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप चाहे तो ये हाई राइज बिल्डिंग जो है उनके अंदर अपार्टमेंट ले लें खूबसूरत सा, और चाहे तो आप ये जो सामने आप देख रहे हैं आई थिंक 4-5 स्टोरीज बिल्डिंग है, इसमें आप जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये है जी, हम ये अभी लिफ्ट से निकले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिफ्ट्स हैं इस बिल्डिंग के लिए और ये हम ज़ीरो कार्ट जो है इस पे मौजूद हैं। राइट पे हमारे 1+1 है। अभी हम आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं 1+1 है, ये 9 माह से घर खाली पड़ा हुआ है और इस वजह से ये जो है वो ज़रा डस्ट आपको नज़र आएगी, उसे ज़रा इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि 1+1 में एक बेडरूम होता है और एक लिविंग होता है। तो ये जो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये लिविंग है और इसके बिल्कुल साथ ओपन किचन है लिविंग के, बहुत ही खूबसूरत किचन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ओवन भी है और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी है, एग्जॉस्ट भी है, डिश वॉशर भी मौजूद है और ये जो है वो फ्रिज भी। या एक्चुअली दिस इज़ अ फ्रिज स्पेस, यू कैन पुट योर फ्रिज हेयर बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द अपार्टमेंट। ओके, एंड दिस फर्नीचर इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दर्नीचर। The person who wants to buy this place, I can leave this furniture for free. Not okay. A problem. The owner doesn't want to take the furniture back. I'm just going to sell this furniture to someone else. Okay. It doesn't really matter. Okay. If the buyer wants it, okay, he can have it. No problem. Okay. ये आप देख सकते हैं जी टॉयलेट, और टॉयलेट आप देखें क्योंकि अभी लाइट या नो नीड इट इज़ शाइनिंग। ये आप देखें जी जो वॉशिंग मशीन है यहाँ पे एडजस्ट होती है, ये सामने एक बोर्ड है और ये जो है वो टॉयलेट बहुत खूबसूरत है और इसके बिल्कुल पीछे जो है आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वो वॉशिंग एरिया है। आप इसे अंदर से भी देख सकते हैं, ये बहुत स्मॉल है लेकिन चूंकि 1+1 है दैट्स वाई ये आप दिस इज द बेडरूम। बेडरूम में आप देखिए कि बिल्कुल इसके बाहर विंडो है, ये कबर्ड जो हैं और ये सामने बेड लगा हुआ है, डबल बेड है, बहुत खूबसूरत 1+1 है जी। और इससे इस घर की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो है इस घर का टेरेस, और ये टेरेस जो है वो तमाम घरों के लिए है। और ये आप जैसे ही जो है वो बाहर निकलते हैं तो आप टेरेस पे चलते चलते अपने स्विमिंग पूल में जो है वो चले जाते हैं। क्या खूबसूरत जो है ये व्यू है कि आप अपने टेरेस से निकलें और अपने स्विमिंग पूल में आ जाएं, कमाल है, बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये सामने बहुत खूबसूरत जो है वो व्यू है। कंस्ट्रक्शन अभी इस एरिया में जारी है, कुछ इर्द गिर्द जो है वो बिल्डिंग्स बन रही हैं। ये सामने बहुत बड़ी आपके सामने जो है वो टेरेस है और आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ी है, इट्स रियली वेरी बिग। आप इसे यहाँ पे डिकोर कर सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं और यहाँ पे आप शाम को बैठ के इस टाइम पे चाय पिए और बहुत मज़ा आएगा। तो ये सामने आप जो है वो देखिए जी, ये बेसिकली जो है वो एरिया है। रियली आई एम फीलिंग वेरी मच जॉय
and I'm really very much glad to see this beautiful place. Really, it's amazing, it's beautiful and it's cheaper. Prices जो है ये compound buildings के अंदर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जो building है, ये जो compound facilities के साथ apartment हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सस्ते हैं. तो prices के लिए आप हमसे contact कीजिए, हम आपको guide करेंगे. You can, if you want, you can put something here to separate yourself from the other person. You can just put here something. Even you can put your like plants here. Yeah, exactly. You can put that. So from here to that window and that window. Yes, it's really a big. Really a very big. Yeah, thank you. Abra, do you want to say something? Yes, I would like to buy this one. Oh my God. Two plus one. One plus one. This because of the beautiful view here, the balcony. I can help so you. So bright. Thank you. Bye-bye.